हाँ दोस्तों, तो बहुत चीजें बठिंडा खोल का देखने नजारा यही है। ज्यादा आगे जाएंगे नहीं, पता नहीं स्लिप होके क्या हो सकता है। आप लोग भी ये चीज बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, बस ताला का पैसा लगा 35 रुपया। यहीं पे लोगों की डेथ होती है इस पॉइंट पे, कभी भी आप लोग आए तो वहाँ। भैया मेरा यहाँ टोकन काटा है 20 रुपये का, बाइक पार्क हो गया है, लोग भी कर दिए हैं, तो थोड़ा बेफिक्र। 120 रुपया में 1.5 लीटर तेल होता था, अभी मुश्किल से मुश्किल 1.20 होगा। क्या होगा दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कब जोहार। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग सोचे थे कि एक ब्लॉग बनाया जाए। काफ़ी टाइम से मेरा और सागर भाई दोनों हम लोग निकले हुए हैं अभी, तो आज के ब्लॉग में हम लोग आपको दिखाने वाले भटिंडा फॉल। और फिलहाल अभी हम लोग हैं पश्चिम बलिहारी एरिया में हैं हम लोग, और हम लोग आए इधर से झरिया से होलाडी होके, और रास्ता कवर करते 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 आए धूल वूल खा के झरिया बाजार पूरा एक्सप्लोर करते करते। तो आज दिखाते हैं आप लोगों को भटिंडा फॉल और क्या क्या भटिंडा फॉल में एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह है, और किस किस चीज़ से आपको वहाँ बचना चाहिए, और आप किस तरह वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। आज हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ों को। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और भटिंडा फॉल निकल रहे हैं। आपको पूरा रास्ता का कवरेज देते देते जाएंगे हम लोग, पुटकी होते हुए जाएंगे। चलिए निकलते हैं, बने रहिए वीडियो में, धन्यवाद। तो अब हम लोग बसीर चौक पहुंच गए हैं, बसीर मोड़। यहाँ से अब बलियारी बस्ती जा सकते हैं दोस्तों राइट में, लेकिन हम लोग सीधा जाना है। दोस्तों पुटकी पहुंच गए हम लोग, आप लोग देख रहे होंगे पुटकी का प्रभु चौक। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग कोशिश करते हैं आगे दिखाने का, लेकिन हमको दोस्तों पेट्रोल लेना पड़ेगा, लेकिन इधर पेट्रोल पंप याद नहीं आ रहा। आगे में है, बहुत आगे जाना होगा। हाँ क्योंकि हम लोग तो लेफ्ट लेना है दोस्तों यहाँ से। कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, खाना पीना सब महंगा कर दो दोस्तों, बस खाली सरकार से निवेदन है कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाए, बहुत दिक्कत है। चाहे हम लोग घूमने फिरने लड़ता है आप समझ रहे हो, ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं, तो सरकार से मेरा निवेदन यही है कि भले बाबू सोना का मेकअप महंगा कर दीजिए, लेकिन पेट्रोल सस्ता कर दीजिए। तो दोस्तों लगभग 12 से 15 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पुटकी चौक, मतलब मुनीडी चौक। देख सकते हैं गेट रह गया, हम लोग अभी इधर जाना है, इधर आपको दिखा रहे इसे घूम के। चलिए यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे और बढ़ते हैं आगे। यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर होगा भटिंडा फॉल, बने रहिए ब्लॉग में। अच्छा पेड़ पौधा है दूर से, भी सोच रहा होगा पेड़ पौधा कहाँ उगा दिया होगा, खाली डस्टबिन में कर ले लो वीडियो। बल्ली दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है वृक्ष पानी और हवा जीवन की एकमात्र दवा, सही बात है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों संपूर्ण राष्ट्र एवं सीसीएल के समृद्धि एवं वैभव हेतु प्रतिबद्ध मुनिडी परियोजना के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण हम सबका आपके साथ है। मुनिडी का कवरेज दिखा रहे हैं, शायद मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी तो ठीक है, नहीं तो म्यूजिक डाल देंगे। बाजार मुनिडी बाजार, आज हम आपको कितना कितना बाजार दिखा दिए लोग। हम लोग का आज का मकसद यही था कि आप लोग सब चीज़ देख के चलिए। हमारा मुनिडी बाज़ार आप लोग पहुंच चुके हैं, मेरा मकसद बस यही रहता है दोस्तों ब्लॉग का कि आप लोग सारा बाज़ार देखते चलिए। रोड ख़राब है पहले ही बताएं दोस्तों, लेकिन हम लोग भी प्रो राइडर हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको दिखा रहे आगे का सारा सीन।
फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भटिंडा फॉल, धनबाद ज्ञान बानसान और प्रकृति के बीच में बसा हुआ एक अजूबा। बस कुछ ही देर में हम लोग एंटर करने वाले हैं और हम लोग घुस चुके हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे यहाँ फोटो शूट हो रहा है तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई को, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अपना अपना DSLR के साथ। टाइम चल रहा है दोस्तों, जुआ हुआ बहुत इधर उधर लग रहा है, तो आप लोगों में सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने घर में कहीं भी एक चेन मिलता है, देखिए दोस्तों देसी जुगाड़ हम बनाए हैं, आप लोग भी ये चीज़ बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। बस ताला का पैसा लगा 35 रुपया। इसको क्या कीजिए आप, इसे देखिए ये चेन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम एक लगा दिए रबड़, इसको लॉक बना दिए। तो दोस्तों सेफ रहिएगा, दिवाली का टाइम है, काली पूजा का टाइम है, जुआ हुआ चोर कहीं से भी गाड़ी उड़ा सकता है। अब इसको हम कर देंगे लॉक दोस्तों। भैया मेरा यहाँ टोकन काटा है 20 रुपये का, बाइक पार्क हो गया है, लॉक भी कर दिए हैं, तो थोड़ा बेफिक्र हो गए, अब हम लोग आराम से आगे घूर सकते हैं। हम लोग आ गए दोस्तों और पानी का लेवल अभी जो बरसात में था काफ़ी ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया। तो चलिए दोस्तों एक बार नीचे हम लोग अभी उतरते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भटिंडा पुल का, श्री गणेश भगवान का प्रणाम करते हुए जय गजानन महाराज की जय हो। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यू ठीक ठाक है, पानी कम है उतना नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कौन कौन भटिंडा पुल आ चुके हैं और आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी हम लोग कोशिश अभी कर रहे हैं कि आप लोगों को सब चीज़ दिखाने का यहाँ पे, कि भटिंडा फॉल में क्या क्या आप लोगों को नहीं करना है और क्या करना है। तो आज दोस्तों तो पहुँच चुके हैं भटिंडा फॉल का, देखने नज़ारा यही है, ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, पता नहीं स्लिप होके क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। पानी का आवाज़ सुनिए दोस्तों, एकदम रिलैक्स मस्त लग रहा है सुन के, पानी कम है, पहले था बरसात का टाइम में पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी जस्ट आप लोग इन्जॉय कीजिए इस पानी की आवाज़ को। और हम लोग अभी दूसरा पार्ट को भी आपको दिखाते चलते हैं भटिंडा पुल का। हम लोग अभी नीचे गए थे दोस्तों, नीचे से ऊपर आए हैं, देख लीजिए इस साइड से आपको रोजर साइड दिखाते हैं, आइए भटिंडा पुल का जो दूसरा साइड है। अब इधर भी आप लोग घूम सकते हैं और अच्छा बना हुआ है इधर बैठने के लिए, इधर से व्यू भी अच्छा आता है, काफ़ी सारा यहाँ बना हुआ है, जगह बनाया है लेकिन और सीटिंग बनाया है भी अच्छा है। हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं आगे की ओर, ठीक लग रहा है, शांति है, पीस है, थोड़ा थोड़ा ठंड हो रहा है, उसमें धूप का जो आ रहा ऊपर से और सामने पानी बहुत ही कम है लेयर पानी का, बट ठीक है एवरेज। और ये दोस्तों ये सब बैठने के लिए बनाया गया है, बरसात में आप बच नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी भीग भी जाएगा, तो हम लोग भी अभी थोड़ा बैठते हैं रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखने के लिए अभी इतना कुछ है नहीं। बच्चा लेकर चल गया है बरसात में, आप लोग पानी का लेयर बिल्कुल भी कम हो गया अभी दोस्तों। अभी हम लोग और भी दिखाएंगे आपको कि डेंजर एरिया कहाँ पे है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ ऑडियंस आए हुए हैं पब्लिक, वो लोग पानी के सामने बच्चे लोग को भी वहाँ से दिखा रहे हैं, वो भी डेंजर एरिया है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे गड्ढा काफ़ी ज़्यादा है, इंसान जिसको तैरने आता है उसके लिए भी यहाँ पे डर है। बाकी आगे इधर जो है इधर पानी उतना नहीं है, अभी कम हो गया लेयर पानी का, अभी मज़ा नहीं आया, आएगा तो बरसात के टाइम नहीं मज़ा आया, अभी बहुत ही पानी का लेयर कम हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर व्यू दिख पा रहा है तो आप लोग गेस कर लीजिए, जगह अभी बिल्कुल मतलब उस टाइप का पानी नहीं गिर रहा है जो बरसात के टाइम में गिरता था, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब सप्ताह में एक दिन आप लोग आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं, अच्छा है व्यू, कुछ कुछ फैमिली वाले भी वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, पानी देख रहे हैं। और इधर पानी सूख गया दोस्तों और थोड़ा गंदगी भी है, लोग ट्रेस फैला के जा रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा भाई साहब ये मत करो। चलिए दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा अदर साइड भटिंडा फॉल का, जिसे आमतौर पे खोपचा बोलते हैं हम लोग सब, उधर भी आप लोगों को दिखा दिया जाए।
पानी का आवाज़ ब्रो अच्छा आता है, बहुत ऊपर से गिर रहा है ना। आमतौर पे इसको निब्बा निब्बी पॉइंट बोला जाता है, कि थोड़ा अफवाह यह भी है कि इन झाड़ियों का कुछ ऐसा यूज किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इधर भटिंडा फॉल का, चलिए हम ऊपर तक जाते हैं जहाँ पे थोड़ा डेंजर पॉइंट है और डेंजर रास्ता भी दिख रहा है, बट कोई नहीं। भाई खतरनाक जंगल दिख रहा है इधर तो। भाई ये देख लो, एडवेंचर प्लेस हो गया भटिंडा फॉल तो। भाई थोड़ा डेंजर एरिया है, लेकिन फिर भी हम लोग जान जोखिम में डाल के आप लोगों को उस पॉइंट पर पहुंचाने वाले हैं जहां थोड़ा डेंजर है। ये देखिए दोस्तों, हालत तो एकदम चौपट हो रखा है भटिंडा फॉल का। दिस इज भटिंडा फॉल। पानी काफ़ी कम हो गया, बहुत ज़्यादा, बट ठंड में अच्छा है यार, आप लोग आ सकते हो, थोड़ा धूप भी यहाँ पे आती है अच्छी खासी। यहाँ से एक अलग नदी बह रही है, इसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा नज़ारा है, जस्ट नॉर्मल पानी आ रहा उधर से, पानी का लेवल बहुत कम हो गया। और आप लोगों को अभी हम लेके जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा डेंजर जोन है यहाँ का, जिसको भटिंडा फॉल का सबसे डेंजर जोन माना जाता है। यहाँ पे नहाना मतलब ये देखिए दोस्तों, यहीं पे लोगों की डेथ होती है। इस पॉइंट पे कभी भी आप लोग आए तो नहाने की कोशिश तो कभी ना करें। बहुत डेंजर जोन है। स्विमिंग पूल जैसा बन गया है, बोलते हैं कि काफी गड्ढा है यहाँ पे, पानी का फ्लो भी यहाँ काफी तेज है। फॉल्स वगैरह है। तो दोस्तों आप लोग घूम लिए हैं पूरा भटिंडा फॉल, आपको दिखा दिए सब तरफ का सीन वगैरह और क्या क्या आपको नहीं करना है यहाँ पे। तो भाई नहाने से तो बचना है, नहाना बिल्कुल भी नहीं है। और भाई यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि गंदगी काफ़ी फैला हुआ है, कि लोग ट्रेस फैला रहे हैं, जो जो ट्रेस लेके आ रहे हैं अपने साथ वो यहाँ फैला के चले जा रहे हैं, वो नहीं करना है यार, क्योंकि धनबाद ऐसे ही बहुत एयर पोल्यूशन से भरा पड़ा है। तो कम से कम ये सब चीज़ को बचा के रखें आप लोग, और बस बाद में कोई आए तो ऐसा ना बोले कि डस्ट तो है ही, ऊपर से कहीं घूमने जाओ तो वहाँ भी गंदगी। सही बात है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का डन हो गया, क्या हाल है सागर? नीचे से ऊपर चढ़ते वक्त सब लोग थक जाते हैं हम लोग जैसा, लेकिन ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा था। तो भटिंडा फॉल डन हो गया, चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो लाइक पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।